डेन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डेन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आज वाराणसी के लहरतारा स्थित प्राचीन कबीर प्राकट्य स्थली कबीर मठ में जापान की टोक्यो शहर के पूर्व महापौर बोनिक योगेंद्र पहुंचे और कबीर दास जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज वाराणसी के लहरतारा स्थित प्राचीन कबीर प्राकट्य स्थली कबीर मठ में जापान के टोक्यो शहर के पूर्व महापौर ब्रोनिक योगेंद्र का आगमन हुआ, जहां उन्होंने संत कबीर दास जी महाराज के मंदिर में दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मठ के महंत संत श्री गोविंद दास जी शास्त्री ने उनको कबीर जी महाराज की तस्वीर स्मृति चिन्ह के रूप में दी और चंदन की माला तथा अंग वस्त्रम देकर के सम्मानित भी किया। इस बार मैं भारत में आया कि मुझे राजनीति के बारे में कुछ तत्व ज्ञान के शोध में मैं आया और फिर उसी सिलसिले में काफ़ी स्टेट्स में गया, काफ़ी गुरुओं से बात हुई मेरी और फिर फाइनल डेस्टिनेशन मेरा आखिरी जो है पड़ा वो यहाँ काशी में हुआ। तो काशी में आके भी काफ़ी जगह गया मैं, काशी विश्वनाथ भी गया और यहाँ आज कबीर के जन्मस्थल पर आया हूँ ताकि यहाँ और कुछ कबीर जी से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बारे में जो उनका जो क्रिया योग रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी हो, महंत जी से कुछ आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं यहाँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आने के बाद? जी कबीर के दोहे पढ़ते हुए अभी तो कितने साल हुए, 30 साल हुए स्कूल में कबीर के दोहे पढ़े, आज फिर उनको दोहों को फिर एक बार दोबारा सुनने की मतलब क्या बोले उसको सुनने का सौभाग्य मिला तो काफ़ी अच्छा लगा और फिर एक बार कबीर के दोहों को पढ़ने की इच्छा हुई। अभी हम कोशिश करेंगे, अभी मैंने इनको वायदा भी किया है कि कबीर के दोहों का हम लोग जापानी में भाषांतरण करेंगे और हो सके उतना हम लोग जापान में भी कबीर के दोहों को पहुंचाने की इच्छा कोशिश करेंगे। Less solutions. आप देख रहे हैं डेन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेन काशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।